हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका वाइट ट्रेवल टू एक्सप्लोर में। मैं हूं आपका होस्ट योगेश। आज हम श्रीनगर में हैं और यहां से हम अपना कश्मीर टूर का शुरू करने वाले हैं। हम कल शाम को 4 बजे के करीब यहां पर श्रीनगर में पहुंच चुके थे। होटल में हमने पहले चेक इन किया होटल ढूंढकर, और यहां पर रश जो है काफ़ी ज़्यादा है इस समय, और होटल ज़्यादातर पैक्ड ही है। और हमें जो होटल मिला, तो होटल लेने के बाद यहाँ पर जो है जो मौसम है इस समय बारिश काफी ज्यादा है। हर रोज शाम को यहाँ पर बारिश हो रही है, जैसा हमें यहाँ पर रिसेप्शन में मैनेजर से पता चला। तो आज हम गुलमर्ग जा रहे हैं। गुलमर्ग जाने का हमारा पहले दिन का फैसला इसलिए हमने लिया क्योंकि गुलमर्ग में जो है वो बारिश है, और इंटरनेट में भी बारिश दिखा रहा है कल से। आज वहाँ पर मौसम थोड़ा ठीक है, जो हमने यहाँ पर पता किया था अपने होटल वालों से, तो उन्होंने वहाँ पर अपने जो नॉन है उनसे फोन करके बात की, तो वहाँ पर अभी मौसम क्लियर है। तो आज हम गुलमर्ग जाएंगे। गुलमर्ग जाने के बाद फिर वापसी हम अपने इसी होटल में ही आएंगे, क्योंकि गुलमर्ग हम स्टे नहीं करेंगे। तो अभी हम निकलने वाले हैं गुलमर्ग के लिए, और मिलते हैं आपको रास्ते में। या गुलमर्ग पहुंचकर अगर कोई व्यू आता है रास्ते में तो वहां पर रुकेंगे, या सीधा गुलमर्ग जाकर आपसे पहुंचेंगे। आप बनिए रहिएगा हमारे साथ। जी, अभी हम गुलमर्ग के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। हम एंट्री फी पोस्ट पर हैं। यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो पर गाड़ी 50 रुपये की फीस लगती है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हर गाड़ी के साथ एक गाइड जाएगा जिसके चार्जेस होंगे 350। अभी हम गुलमर्ग पहुँच चुके हैं। गुलमर्ग में आकर अभी गाड़ी पार्क की है। गंडोला राइड के लिए जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर पता चला कि गंडोला राइड को आपको एक वीक से पहले ही आपको बुक करवाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही निकलेगा अगर आपको गंडोला राइड लेना है। और उसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास, उसकी सप्ली बोल दीजिए, वो है घोड़ा। आप यहाँ पर पौनी कर लीजिए, पौनी वाले साहब रेट कर लीजिएगा, कम से कम 2-2.5 हज़ार एक पर्सन का लगेगा। तो क्योंकि जो पहला गंडोला राइड जाएगी वहाँ तक तो बर्फ़ है नहीं है, उसके आगे जो दूसरा फेस है उसके हाफ में बर्फ़ शुरू होती है, तो ये हमें दूसरे फेस के हाफ तक लेकर जाएंगे। आप रेट कर लीजिएगा इनसे। तो अभी आगे चलते हैं और आपको भी ये व्यू दिखाते हैं। और ये ना ऊपर रेस्ट करने के लिए है। यहाँ पे आपको मैगी चाय वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद उधर आगे हम जाएंगे उस तरफ। ये यहाँ पे चेयर्स हैं बैठने के लिए, अच्छा वेदर है यहाँ पे, ग्रीनरी काफ़ी है। और यहाँ पे जरूर रुके आप, क्योंकि आगे रास्ता है, काफ़ी लंबा है रास्ता अभी। तो ये बिल्कुल सेंटर में है, हम ये हाफ रास्ते पर आ गए हम लोग। दे दीजिए यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। देखने में ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। चारों ओर जो ये देवदार के वृक्ष हैं, आप देखिए पहले देवदार के वृक्ष देखिए, और आप ब्यूटी चेक कीजिए पहले सारी इस जगह की। इस जगह पे आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी इस सीज़न में। वैसे हमने कन्फर्म किया था कि अगर जनवरी फरवरी में अगर आप यहाँ पर आते हो बाय फ्लाइट और आगे इनसे टैक्सी करके, तो यहाँ पर आपको 10 से 15 फीट तक की बर्फ़ भी मिल सकती है इसी एरिया पे जहाँ पर इस समय हम हैं। यहाँ पर एक ढाबा है, वहाँ पर हम रुके हैं फर्स्ट फेज में, और उस ढाबे में अभी हम कुछ खाएंगे, मैगी वगैरह लेंगे पहाड़ों में, और फिर आगे चलेंगे। तो यही अभी आप एक बार सराउंडिंग देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, मतलब दिल खुश हो जाता है यहाँ पर आने का। घोड़े में अगर आप आते हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट से रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी आपको वहाँ पे। अगर बच्चा साथ हो तो फैमिली में, अगर आपके साथ बच्चा है तो आप कोशिश कीजिएगा, छोटा बच्चा है तो आप गंडोला राइड ही लीजिए। ऑनलाइन बुकिंग होती है उसकी, ऑन अराइवल बुकिंग नहीं है, और उसकी जो बुकिंग है 6 से 7 दिन पहले आपको करवानी पड़ेगी, जिस भी दिन आपने यहाँ पर विजिट करना है पूरा प्लान करने के बाद। और सराउंडिंग तो जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर खाने पीने के बाद, और
फिर हम आपको आगे की व्यू दिखाते हैं, तब तक आप सराउंडिंग देख लीजिए। फोटो सेशन देखे चल रहा है। आते ही सरदार जी ने जो है ऐनक डालकर अपनी फोटो खिंचवानी शुरू कर दी। और किमाया से हेलो, किमाया बहुत तंग हुई यहाँ पर आते आते। और किमाया से हेलो, किमाया हेलो कर दो पहले, हेलो कर दो, हेलो व्यूअर्स, यस आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किमाया मेरे पापा का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखा किमाया कितना बढ़िया बोलती है। और ये देखो उसने ना, ये बस फोटो खींचने के लिए आई है, खिंचवाने के लिए नहीं। और मेरी भी कोई फोटो खींच दो। ओहो वीडियो बन गई। और फिर से अब हम रेस्ट करने के बाद यहाँ से चल पड़े हैं। और ये राखी है हमारा, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। रास्ता सारा ऐसे ही खराब है। मैगी यहाँ पे टेस्टी थी, थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा थी, वो फिर आपको बोलना पड़ेगा अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो। और ये थोड़ा सा डर रहा है हमारा एक बंदा। एंजॉय कीजिए इसको। और ये देखिए ये रास्ता ऐसा है, ये बहुत थोड़ा सा पथरीला रास्ता है। और ये हम वहाँ से वो नीचे से आए हैं हम लोग, और अभी हम वो उधर ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे ऊपर। और वो हमारी कमाया जा रही है साथ में, वो देखिए। अभी हम ऊपर थोड़ा सा रुके हैं, जहाँ तक हमारी डेस्टिनेशन थी ऊपर जाने के लिए, वहाँ तक हम नहीं गए हैं। हुआ क्या कि यहाँ पर बारिश जो थी वो काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, और जो हमारी बेटी थी कि माया छोटी सी, उसका ठंड की वजह से हमने फैसला किया कि हमने अपनी वाइफ को और बेटी को ना गंडोले से उसे पार करके गंडोले से नीचे भेज दिया है। और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, रिस्क नहीं ले सकते थे बच्चों के साथ। मौसम जो है यहाँ पर उसका कुछ भी भरोसा नहीं रहता, हमने जैसे इनसे कन्फर्म किया था, है तो बड़ी दिक्कत वाला काम, लेकिन जुगाड़ थोड़ा सा लग गया। हम भी यहाँ पर अभी रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पर हम मैगी वगैरह खा लेंगे और उसके बाद हम भी नीचे जाएंगे। तो है एडवेंचर काफ़ी हुआ हमारा, काफ़ी अच्छा रहा हमारा साथ। तो अभी हॉर्स राइडिंग चल रही है हमारी, ये हमारा घोड़ा है बरसुंडा, पीजे गुरमेत जी है स्वीटी पे, शी स्वीटी, स्वीटी के साथ ये राजू है, और मैं अपने वाला घोड़ा खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ, साथ कोई नहीं है मेरे। है बरसुंडा काफी ज्यादा मजा है दोस्तों।
चलिए आराम से नीचे चलते हैं और मिलते हैं आपसे। इसकी भी लगाम खींचनी पड़ती है साथ साथ। मैं जा चुका हूँ। कितने जी? आज, 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 आज।